द ड्राफ्ट के आज के एपिसोड में हम भारतीय रेलवे के उस मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसके बारे में कुछ लोगों को अंदेशा है कि उसका निर्माण असंभव के बराबर है। ये जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज नहीं बल्कि उससे 100 गुना मुश्किल लगने वाला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे शुरुआत में प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल का नाम दिया गया था। इस रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण समंदर से 5,360 मीटर की ऊंचाई पर उन पहाड़ों के बीच हो रहा है जहां तापमान -25 से -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी वो जगह जहां गर्म पानी भी जम जाता है। ये प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, यानी करीब करीब जितना पैसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में लगा है उतना ही पैसा इस अकेले मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर खर्च होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसे पूरा देखिएगा क्योंकि अब तक भारत ने इतने मुश्किल प्रोजेक्ट के निर्माण का जिम्मा नहीं उठाया था। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आप जितने लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे ये जानकारी उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको 3 बड़े सवालों के जवाब देंगे। इम्पॉसिबल सा लगने वाला ये प्रोजेक्ट क्या है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर बनने वाले इस रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कैसे होगा। तीसरा सवाल है, भारत इतने मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट को क्यों बनाना चाहता है। सबसे पहले ये समझिए कि किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। प्रोजेक्ट का नाम है भानुपल्ली मनाली लेह रेल लाइन। पंजाब के भानुपल्ली से मनाली होते हुए लेह तक इसका निर्माण हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 489 किलोमीटर है। इस रेलवे रूट में 40 स्टेशन बनाने की प्लानिंग है। ये रेल लाइन पंजाब के भानुपल्ली से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, मनाली, कुल्लू, सिस्सू, दरचा, केलोंग, सरचू, पांग, उपसी, खारू जैसे शहरों से होकर लद्दाख के लेह में खत्म होगी। खास बात यह है कि इस रेलवे लाइन का ज्यादातर हिस्सा बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजरेगा जिसमें 62 पहाड़ी सुरंग होंगी। इनकी कुल लंबाई 270 किलोमीटर के करीब होगी, यानी 55% रेलवे लाइन सुरंग के अंदर होगी। भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक ऐसा शायद ही हुआ है कि किसी रेल लाइन का 55% हिस्सा सुरंग से गुजरे। इस रूट में सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर की होगी। इस लाइन पर सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन भी होगा जो हिमाचल प्रदेश में केलोंग में बनाया जाएगा। अब तक भारत में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं बनाया गया है, ये पहली बार होगा। 62 सुरंग के अलावा 114 बड़े ब्रिज, 90 छोटे ब्रिज, 54 रोड ब्रिज और 37 रोड ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे जो कुल रेलवे ट्रैक का करीब 157 किलोमीटर होगा। इसे ऐसे भी समझिए कि रेलवे लाइन की कुल लंबाई 489 किलोमीटर, सुरंग के अंदर रेलवे ट्रैक 270 किलोमीटर, पहाड़ों के ऊपर ब्रिज पर रेलवे ट्रैक 157 किलोमीटर और सिर्फ 62 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ही समतल जमीन पर होगा जो पूरे प्रोजेक्ट का 12% है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि ये कितना मुश्किल प्रोजेक्ट होने वाला है। इस रेलवे प्रोजेक्ट में 4 पहाड़ी दर्रे जुड़ेंगे, रोहतांगला, बरलाचाला, लाचुंगला और तगलांगला, जिनकी ऊंचाई 3,976 मीटर से 5,360 मीटर के बीच है। इसी रूट पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तगलांगला भी होगा जिसके समुद्र तल से 5,359 मीटर ऊपर होने का अनुमान है। फिलहाल चीन के कब्जे वाले तिब्बत में सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है, इसका नाम तांगुला रेलवे स्टेशन है। ये 5,068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुछ वर्षों में ये रिकॉर्ड भारत के नाम हो जाएगा। भारतीय रेलवे इस लाइन के लिए अपनी ट्रेनों में विमान जैसे दबाव वाले कोचों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण सांस लेने की समस्या बढ़ जाती है। अगर विमान जैसे दबाव वाले कोचों का उपयोग होगा तो ये भारत में पहली बार होगा। फिलहाल इस तरह के कोच केवल चीन के चिंघाई तिब्बत रेलवे लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो भी 5,072 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। इन खास तरह के कोचेज में हीटर की भी व्यवस्था होगी क्योंकि सर्दियों में इस इलाके में तापमान माइनस में चला जाता है और बर्फ जम जाती है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब दूसरे बड़े सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर बनने वाले इस रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कैसे होगा, इसमें क्या परेशानी आने वाली है। इसी वर्ष रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा था कि भानुपल्ली मनाली लेह रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों में बांटा गया है। इसका पहला हिस्सा पंजाब के भानुपल्ली से हिमाचल प्रदेश के बरमाना तक है। इसकी लंबाई करीब 63 किलोमीटर है। इस हिस्से में काम चल रहा है जिसे 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। दूसरा हिस्सा बरमाना से मंडी,
तीसरा हिस्सा मंडी से मनाली, चौथा हिस्सा मनाली से उपसी, पांचवा हिस्सा उपसी से लेह तक है और छठा हिस्सा भारतीय सेना के रिक्वेस्ट पर लेह से सरस्थांग तक है। ये 13 किलोमीटर तक का होगा। पहले हिस्से को छोड़कर अभी बाकी हिस्से में प्लानिंग और सर्वे का काम चल रहा है। ये ऑल वेदर रेलवे रूट बनाया जा रहा है। इसके पूरे होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि जब ये बन जाएगा तो दिल्ली से लेह की यात्रा सिर्फ 10 घंटे में तय हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये रेलवे रूट बनेगा कैसे, इसे असंभव से लगने वाला रेल प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। भारत में कोंकण रेलवे के अलावा अब तक खतरनाक पहाड़ों पर एक भी रेलवे प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। 1980 के दशक में शुरू हुए USBRL प्रोजेक्ट की लंबाई मात्र 272 किलोमीटर थी, जो करीब पिछले 40 वर्षों से बन ही रहा है। हालांकि शुरुआती चरणों में ये प्लानिंग में ज्यादा था, असली काम 2010 के बाद ही शुरू हुआ और अब कुछ हिस्से को छोड़ दे तो ये पूरा होने के करीब है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि जब पहाड़ों पर 272 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने में 40 वर्ष लग गए तो 489 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात सही भी है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक एक डिटेल पर काम चल रहा है, क्योंकि इस रेलवे रूट में 4 पहाड़ी दर्रे हैं जिनकी ऊंचाई 3976 मीटर से 5360 मीटर के बीच है। इसीलिए काम शुरू करने से पहले फुल प्रूफ तैयारी हो रही है। फिलहाल पहाड़ों का सर्वे हो रहा है। भानुपल्ली और लेह के बीच 40 स्टेशन बनाने के लिए सैटेलाइट के जरिए 22 सर्वे हो चुके हैं। पहाड़ों पर सर्वे आसान नहीं होता है, इसलिए रडार की मदद से भी सर्वे करने की प्लानिंग है। एक तरफ सैटेलाइट से सर्वे का काम हो रहा है, दूसरी तरफ जिन पहाड़ों के नीचे से सुरंग बननी है उसकी लंबाई मापी जा रही है। इसके लिए ऐसे देशों से इंजीनियर्स की टीम आई है जिन्होंने अपने देशों में ऐसा काम किया है। तुर्की से आई एक्सपर्ट इंजीनियर्स की टीम अब तक 80 पहाड़ों की मैपिंग और सर्वे का काम कर चुकी है। अभी भी 20% पहाड़ ऐसे हैं जिनकी मैपिंग का काम बचा हुआ है। फिलहाल फर्स्ट राउंड का सर्वे हो चुका है। बचे हुए पहाड़ों की जांच के लिए दोबारा विशेषज्ञों की टीम दौरा करेगी। पहाड़ों की मैपिंग और इसके स्ट्रेंथ की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार सुरंग बनाने के दौरान पहाड़ धंस जाते हैं जिससे हादसा हो जाता है। 2023 में उत्तराखंड में ऐसा हो चुका है, इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। शुरुआती दिनों में इस प्रोजेक्ट का काम कितना ढीला रहा होगा, इसे ऐसे समझिए कि इस रेल लाइन की घोषणा 2008 में यूपीए सरकार के समय हुई थी। ऐलान के पहले 5 वर्षों में इस पर कोई काम नहीं हुआ। 2014 के चुनाव से ठीक पहले 2013 में बिना अच्छी प्लानिंग के ही इस रेल लाइन का काम शुरू कर दिया गया, जिसके कारण पिछले 9 सालों में सिर्फ 80 किलोमीटर तक ही काम पहुंच पाया है, जबकि इस रेल लाइन को पूरा करने में 409 किलोमीटर का फासला अभी और तय करना है। इस रेलवे रूट पर काम करने में सबसे बड़ा संकट मौसम का है। बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण वर्ष के 12 महीने में 5 महीने देश का कनेक्शन लेह लद्दाख से टूटा रहता है। सड़कें बंद रहती हैं और बर्फबारी का माहौल रहता है। इंजीनियर्स के सामने चुनौती ये होने वाली है कि इन्हें हर वर्ष सिर्फ 7 महीने ही काम करने का समय मिल पाएगा। नवंबर से फरवरी तक टेम्परेचर -25 डिग्री तक चला जाता है। सुरंग के अंदर टेम्परेचर और कम हो जाता है। ऐसे में काम करना असंभव के बराबर है। इस काम में दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि जिन जगहों पर रेल लाइन की प्लानिंग है वहां तक पहले सामान को ले जाने के लिए सड़कों का निर्माण करना होगा, क्योंकि बिना इसके काम में तेजी नहीं लाई जा सकती। कुल मिलाकर ये काफी मुश्किल प्रोजेक्ट होने वाला है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं कि भारतीय रेलवे इस रेलवे रूट को बनाना क्यों चाहता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, साल के 12 महीने में करीब 5 महीने लेह लद्दाख का देश के दूसरे हिस्से से संपर्क टूटा रहता है। ऑल वेदर रेलवे लाइन बनने से ये समस्या खत्म हो जाएगी, बड़ी संख्या में पर्यटक लेह लद्दाख जा पाएंगे। दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये है कि लेह लद्दाख चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में पिछले कुछ वर्षों से लगातार घुसपैठ के मामले देखे गए हैं, जिसके कारण भारत ने यहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। इस रेल लाइन के शुरू होने से यहां तैनात देश की सेना को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि सेना को अपना महत्वपूर्ण सामान पहुंचाने और ले जाने में आसानी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव जरूर दें। दोस्त और परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें। अगर आप हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या फिर UPI या फोन पे के जरिए कर सकते हैं।